नमस्कार, असम टीवी स्टूडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्टूडियो में हिंदुस्तान समाचार के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार राय जी के साथ फिर से एक नए विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है असम का मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के साथ सीमा विवाद। इस विवाद को लेकर पिछले दिनों कई बार राज्यों के बीच झड़पें हो चुकी है और एक बार फिर से यह मुद्दा आज असम विधानसभा में उस समय गर्म हो गया जब विपक्षी सदस्यों ने इस पर एक सवाल किया और उस पर मंत्री ने उत्तर दिया। दरअसल असम सरकार ने मेघालय के साथ एक सीमा समझौता किया है, जिसके बाद असम और मेघालय के बीच का सीमा विवाद प्रायः हल हो चुका है। बाकी हम इस पर अरविंद जी आप क्या कहना चाहेंगे, आज जो कुछ सदन में हुआ और जो ये समस्या है उसमें समग्र रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आप सभी का नमस्कार और प्रिय सभी दर्शकों का जो हम लोगों की इस चर्चा को सुन रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज की हमारी ये जो चर्चा है वो आप लोगों को पसंद आएगी और आपके ज्ञान में कुछ जरूर वृद्धि होगी। असम या यूँ कहें कि पूर्वोत्तर राज्यों के सीमा का विवाद देश की आज़ादी के बाद जैसे जैसे राज्यों का गठन हुआ वैसे वैसे यह विवाद गहराता चला गया और आज भी अपनी जगह पर बरकरार है। इस सारे जिन जिन राज्यों का आपने जिक्र किया जो सीमा विवाद है वो केवल दोनों राज्यों के बीच नहीं, इसके समाधान की आस में राज्य सरकारें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया जिस पर सुनवाई चल रही है, एक लंबे समय से चल रही है, जिसका समाधान हो जाना चाहिए था लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या है कि इस एक देश के अंदर राज्यों के सीमा विवाद ऐसे को लेकर के जो लोगों के बीच जो कटुता उत्पन्न हुई है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे ये राज्यों की सीमा नहीं है, दो देशों की सीमा बन गई है। तो इससे दोनों राज्यों के बीच के जो नागरिक हैं, जो दोनों राज्यों के जो नागरिक हैं उनके अंदर बहुत ही कटुता उत्पन्न हो गई है और इससे देश की एकता के लिए यह गंभीर खतरा है। मेरा मानना है कि यह गंभीर खतरा है और जो भी राज्य सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार है या हमारी न्यायिक प्रणाली है, इसको किसी भी कीमत पर जाकर इसका समाधान कर और देश के नागरिकों के बीच एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाया जाए जिससे कि सभी को लगे कि यह देश हमारा है, यह राज्य हम भले अलग अलग हैं लेकिन हम सभी एक हैं, हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई कटुता और वैमनस्यता नहीं है। अब हम इन राज्यों के साथ अलग अलग यदि संबंधों की समीक्षा करें तो असम और मिजोरम के बीच कई बार झड़पें हो चुकी है और इसमें असम पुलिस के 5 कर्मी भी शहीद हो चुके हैं। इसी तरह से नागालैंड और असम के साथ कई बार ग्रामीणों के बीच झड़पें हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी इस तरह के मामले आते रहते हैं। तो सवाल यह है कि एक तरफ 7 सिस्टर्स की बात होती है और दूसरी ओर आपस में वैमनस्यता एक जमीन के टुकड़े को लेकर हो रहा है। इस पर निश्चित रूप से केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके करना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन इस सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए खास करके गृह मंत्री अमित शाह ने और जब से असम के मुख्यमंत्री भाजपा की सरकार जब से हुई सर्वानंद सोनोवाल के समय में भी किया गया और खासकर हिमंत बिस्व शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस दिशा में काफ़ी कार्य हुए और मेघालय के साथ अभी एक अस्थायी समझौता हो चुका है। तो इसी तरह से क्या आपको लगता है कि मिजोरम के साथ, जबकि मिजोरम के मुख्यमंत्री इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर चुके हैं, गृह मंत्री के साथ बैठक कर चुके हैं, ऐसे में आपको लगता है कि मिजोरम के साथ जो विवाद है वो सुलझने की ओर है? सरकार जी, एक बात मैं कहूँगा कि मेघालय की जहाँ तक बात है तो दोनों राज्य सरकारों, जब कोनराड सांगमा मुख्यमंत्री बने अरुणाचल प्रदेश के और असम के मुख्यमंत्री मेघालय के जब मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा हुए और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा ने जब सत्ता को संभाला तो इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा
एक अपनत्व है और राजनीतिक, हाँ राजनीतिक समझ भी है एकदम। तो दोनों लोगों ने मिल बैठकर यह तय किया कि हम हर हालत में इस सीमा विवाद को समाप्त करके और दोनों राज्यों के बीच के लोगों के लिए एक बेहतर माहौल, अनुकूल परिस्थिति हम बनाएंगे। हुआ भी ऐसा, तो दोनों राज्यों की तरफ से मंत्रियों की और प्रशासनिक स्तर की कमेटियों का गठन हुआ, जो संयुक्त रूप से सीमाओं का उन्होंने दौरा किया, वहाँ के लोगों से बातचीत की और बातचीत करके यह तथ्य सामने आया कि कुल 6 ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर सीमा विवाद है और उसको हल किया जाना चाहिए। तो शुरुआती चरण में 3 स्थानों का निपटारा हो चुका है और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के साथ दिल्ली में गृह मंत्रालय में एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ और वो भी बात खत्म हो गया है। 3 और पॉइंट हैं जिस पर चर्चा हो रही है और उस पर भी आने वाले दिनों में समझौता, उस पर यह विवाद समाप्त हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी उपलब्धि होगी दोनों राज्य सरकारों की, जो कि कोर्ट से मामला नहीं सुलझा लेकिन दो एक अच्छे समझ वाले नेताओं की बड़ी पहल के तहत यह बड़ा विवाद समाप्त होने के लिए अग्रसर है। इसी तरह से नागालैंड का भी विवाद है, दोनों राज्यों के सीमाओं के बीच में कई बार स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच में झड़प हुई है, इसमें कुछ उपद्रवी तत्व तो भी शामिल हैं जो कि वहाँ से और जहाँ वो जाते हैं, जहाँ पर असम की ज़मीन पर घुस करके उनकी खेती को नष्ट करते हैं, उनके घरों को जला देते हैं। तो बाद में जो है केंद्र सरकार ने एक वहाँ पे बफर जोन टाइप का एक बना दिया है और हाँ और उसकी निगरानी CRPF के हवाले कर दी। इसी तरह से असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी विवाद हुआ, होते रहते हैं और वहाँ पर भी हिंसक स्थिति उत्पन्न हुई दोनों राज्यों के लोगों के बीच में। तो राज्य सरकारों की पहल पर चुकी क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में BJP की सरकार है और असम में भी है और केंद्र में भी है, तो मिलजुल करके इन्होंने तय किया कि इस समस्या का समाधान करेंगे, नागालैंड का भी समाधान करेंगे। और सबसे जहाँ जो जटिल मामला है वो है मिजोरम का। जब मिजोरम राज्य के गठन से पहले वो जो जिस इलाके को मिजोरम कहता है कि हमारा है 1987 से करीब करीब वहाँ पे काफ़ी पहले भी खूनी झड़प हुई है और पिछले साल बड़ा गंभीर मुद्दा हो गया था। दो राज्य की सरकारों की पुलिस आमने सामने, दो देशों की सेनाओं की तरह से बंदूकें तान के खड़ा हो जाए, एक दूसरे पर फायरिंग करे, यह बेहद ही विकट स्थिति है, बहुत ही गंभीर है। मुझे लगता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक और बहुलतावादी देश के लिए यह बेहद खतरनाक है। सरकार को इसके लिए सभी स्तर पर कदम उठा करके इसको समाप्त करना चाहिए। आपने सही कहा, 5 असम के जवान शहीद हो गए, कितना दुखदायी है कि अपने ही देश की दो पुलिसकर्मी जिसके ऊपर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो एक दूसरे पर बंदूकें तान करके, हम कहते हैं कि हमारा एक देश है, हम या भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जा करके अपनी कमा खा सकता है, रह सकता है, और ऐसे में इस तरह से स्थिति पैदा हो। आपने देखा होगा कि जब ये स्थिति पैदा हुई तो दोनों राज्यों के लोगों के बीच में इतनी कटुता आ गई कि ना असम के लोग मिजोरम जा सकते थे, ना मिजोरम के लोग असम आ सकते थे। आज जो इस सीमा विवाद के मुद्दे पर असम की विधानसभा में जो मुद्दा उठाया विपक्ष ने, वह शुद्ध एकमेव केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया मुद्दा है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत गलत है, पक्ष हो या विपक्ष हो, आप सभी जिस देश के नागरिक हैं तो कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि दो राज्यों के बीच में वैमनस्यता हो। एक बात अरविंद जी, जिस तरह से पूर्वोत्तर में पहले विकास के मामले में हुआ करता था, एक राज्य की सड़क बन जाती थी वहाँ तक, उसके बाद कोई सड़क नहीं होता था, तो इसी को देखते हुए इसका गठन किया गया था, पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया था, फिर वाजपेयी जी ने तो डोनर मंत्रालय कर दिया, तो नॉर्थ ईस्ट का सब कुछ एक साथ लेकर समग्र रूप में योजनाएं बनाई जाने लगे और इसका समाधान हो गया। आज यही वजह है कि कनेक्टिविटी हो गई। इसी तरह से क्या जब इस ऐसे समय में जब दो राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ रही है सीमा को लेकर, एक दूसरे पर गोली चला रही है, तो क्या एक सेंट्रल पुलिस नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक केंद्रीय पुलिस की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, जबकि सारे राज्य एक साथ मिलकर पुलिस बनाए और सारे पुलिस एक दूसरे राज्य में जाए तब जाकर, क्योंकि जो भी भूमि है अभी मेघालय मिजोरम वाले जो भी क्लेम कर रहे हैं या असम के लोग कर रहे हैं, अल्टीमेटली जनता को कोई नुकसान है नहीं। यदि वह उनका घर यदि
असम के बदले मिजोरम में चला जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका वही रहेगा। या मिजोरम के कोई आदमी का घर यदि असम में आ जाए तो इसमें जनता तो कहीं से उनका कोई नुकसान है नहीं, पर उनको और उल्टा ही कुछ फायदा होता है, अलग से कुछ पैकेज भी मिलता है। तो ऐसे में एक पुलिस की जो भूमिका है इसको लेकर एक सवाल या निशान, एक बार पहले भी एक तत्कालीन पुलिस महानिदेशक ने ये बात कही थी कि सेंट्रल पुलिस होनी चाहिए जहाँ पे सबके अधिकारों की रक्षा हो, सबको समान दृष्टि से देखा जाए, आप क्या कहेंगे इस पर? प्रकाश जी, एक बात है कि यहाँ पे एक सवाल उठता है कि एक सभी राज्यों के लिए एक अगर पुलिस बना दिया जाए तो आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ये कहते हैं कि पुलिस हमारे अधीन नहीं है और हम जो कुछ करना चाहते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट करने नहीं देती है, तो कुछ इसी तरह की बात जो है वो इन सारे राज्यों में होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इन राज्यों का गठन नहीं होता। अब फिर अगर इस तरह की व्यवस्था अगर कर दी जाए तो सभी राज्य की सरकारें और राज्य के नागरिक, या कहना सो नागरिक तो नहीं कहेंगे चूँकि राज्य सरकारें ही जो है जो राजनीतिक लोग हैं वो फिर मुद्दा उठाने लगते हैं और वो कहेंगे कि ये हमारे अधिकारों में केंद्र का दखल है और ये एक फेडरलिज्म के एक लोकतांत्रिक देश के जो का जो संविधान है वो इस तरह की इजाजत नहीं देता है। ऐसे में एक चीज हम नहीं कह सकते हैं कि ये राजनीति जो है इसके आड़े आ रही है, समस्याओं के आड़े आ रही है और समस्याओं का स्थायी समाधान राजनीति नहीं होने दे रही। हाँ एकदम, एक्चुअली क्या है कि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है दोनों सभी राज्यों में। हाँ। तो सभी राज्य यहाँ पे क्या है कि छोटी छोटी जनजातियों के जनजातियों में पूरा समाज बटा हुआ है, तो होता क्या है कि वोट बैंक के लिए लोग जो हैं वो अपनी बातों को अपने लोगों के सामने रखते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारा है, ये हमसे है, ये हमारे लिए है, ये इस पर हम किसी को आने नहीं देंगे, किसी को जाने नहीं देंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और कुछ जो जनजातियां हैं उनको डर लगता है कि अगर कोई दूसरी समाज के लोग अगर आते हैं तो हमारे आस्था विश्वास प्रतीक इन पर वो कब्जा कर लेंगे और हम पहचान हमारी मिट जाएगी। तो ये क्या होता है कि ये असम की बात नहीं है, विश्व के अन्य देशों में भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था है कि जहाँ पर लोगों की संख्या कम होती है उनको इस बात का हमेशा डर लगा रहता है कि जो बड़े संख्या में जो लोग हैं वो छोटे लोगों को उस पर हावी हो जाएंगे, उनको समाप्त कर देंगे। तो अब कुल मिलाकर के क्या है कि पूर्वोत्तर के सभी राज्य सरकारों को राजनीतिक सदिच्छा दिखाते हुए एक मेज पर बैठकर और इस समस्या का समाधान करना चाहिए कि भाई 1947 के पहले पूरा पूर्वोत्तर जो है वो एक राज्य था। सबसे पहले आपका मेघालय का नागालैंड का जन्म हुआ, नागालैंड के बाद फिर जो है आपका मणिपुर हुआ, फिर मिजोरम हुआ, फिर अरुणाचल प्रदेश हुआ, फिर हाँ फिर इसके बाद आपका ये मेघालय बना। तो ऐसे करके ये अलग अलग समय पर अलग अलग निकलते रहे और क्यों वो जितने भी खतर ऐसे हाँ तो जितने भी राज्यों में जो राज्यों का गठन हुआ वो किस आधार पर हुआ, भाषा के आधार पर। और एक बात बड़ा दिलचस्प है कि मिजोरम में जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री थे जोरमथंगा, उन्होंने भी आपको याद होगा कि चुनाव में घोषणा पत्र में दिया था कि हम सीमा विवाद सुलझाएंगे असम के साथ। उसके बाद अभी जो बने हैं लाल दुहोमा, इनके घोषणा पत्र में भी था कि हम असम के साथ सीमा विवाद को सुलझाएंगे, लेकिन प्रयास तो किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से लाल दुहोमा ने भी इस दिशा में चर्चा की है, मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक की है, लेकिन अब तक कुछ जमीनी स्तर पे दिख नहीं रहा है। सिर्फ प्रकाश जी ने एक बात कहा, कहीं गतिरोध निश्चित रूप से इसमें गतिरोध, देखिए इसमें गतिरोध राज्य सरकार या राजनीतिक, मिजोरम की एक अलग कहानी है। मिजोरम में राज्य सरकार या राजनीतिक जो नेता हैं वो चाहते हैं कि इसका समाधान हो, लेकिन वहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे संगठन हैं जमीनी स्तर पर वो हाँ नहीं दे रहे, अब वो नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं कि जो भी कुछ है जो हम कहते हैं वही सही वही है, होना चाहिए, वही होना चाहिए, जो हम कहते हैं वही सही है। समझौता में तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ, लेकिन अगर आपको समझौता करना है तो उसमें अड़ियल रवैया आप अपना करके किसी भी समाधान, किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको लचीला रवैया अपनाना पड़ेगा और दोनों लोगों को अपने जिद को छोड़ के कि हम एक साथ एक सह अस्तित्व भाईचारे के साथ में रहेंगे तो हम इस तरह की चीज़ों को पर अपना कड़ा रुख नहीं अपनाएंगे। अब जैसे कि आज आपने देखा कि असम विधानसभा में विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाया, क्यों उठाया,
और इसीलिए राजनीति करने हमको नहीं, ये लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो लोकसभा चुनाव में अब राज्य की असम की जनता को यह बताना हो चाहते हैं कि भारत जो असम सरकार है जमीन दे, वह उनके हितों की अनदेखी करते हुए असम की जमीन को जो है वो मेघालय को दे रही है, मिजोरम को देना चाहते हैं। बीते चुनाव में भी यह एक मुद्दा बना था कि असम सरकार ने बांग्लादेश को जमीन दे दिया था, उस समय में बहुत जबरदस्त मुद्दा हुआ, लेकिन मुद्दा कोई उतना असरदार जनता के बीच नहीं। तो अब इसमें यही बात है ना कि सरकार को, राज्य सरकार को अपनी बातों को जनता के सामने खुल के रखना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इससे किसका फायदा है, जनता का ही फायदा है अंततः। तो अब विपक्ष तो अपनी राजनीति करेगा, उसको तो आप राजनीति करने से रोक नहीं सकते हैं, वो जो अपनी बातें रख रहा है, तो सरकार का यह दायित्व तो बनता है कि विपक्ष के जो उठाए गए सवाल हैं उसका बेबाकी से स्पष्ट रूप से जवाब दे, ताकि इस समस्या का समाधान फौरी तौर पर हो और पूरा पूर्वोत्तर एक साथ एकजुट होकर के और विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि ये पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर अगर विवाद होगा तो इन राज्यों का कभी भी भला नहीं होगा, और जिससे यहाँ के नागरिकों के लिए बड़ी गंभीर स्थिति पैदा होगी। तो नागरिकों की अगर भलाई करनी है तो राज्य सरकारों को मिलजुल कर सभी राज्यों का विकास तभी हो सकता है जब उन्होंने उनका आवागमन हो सके, वहाँ की सीमाएं जुड़ सके, लोगों के बीच में सौहार्द बने, तभी जाकर विकास हो सकता है। तो अरविंद जी, हम सोचते हैं आज इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, देखते हैं कि अभी विधानसभा में यह मुद्दा और आगे कुछ रंग लाता है, सरकार क्या करती है। गृह मंत्रालय जब इस समय में गृह मंत्री काफ़ी गंभीर दिख रहे हैं पूर्वोत्तर की समस्याओं को सुलझाने के प्रति, दूसरी ओर अभी चुनाव भी आ चुका है, बहुत समय भी हाथ में नहीं है, कुल मिलाकर हम देखें तो अभी फिलहाल 2-3 महीने तक इस पे ऐसा कुछ आगे होने वाला नहीं दिखता है। लेकिन सरकार ने जो कुछ भी किया, मेघालय के साथ एक रिजोल्यूशन तक गई और अरुणाचल के साथ भी, मुझे लगता है कि चुनाव आते आते कुछ ना कुछ होने वाला है। आप इस पे क्या कहेंगे, उसके साथ हम जी एकदम सही, आप सही कह रहे हैं कि इसमें नो डाउट केंद्र सरकार भी इसमें पूरा जोर लगा रही है कि ये जितने भी लंबित मुद्दे हैं इनका समाधान कर और देश में एक स्थायी शांति की प्रक्रिया स्थापित किया सके। यही कारण है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर के और यहाँ पे जितने भी उग्रवाद संबंधी जो समस्याएँ थी इनके काफ़ी हद तक क्या इनको इनके पूरी तरह से समाधान करने के लिए कठोर कदम उठा रही है, और उसका ही नतीजा है कि असम में एक संगठन को छोड़कर लगभग सारे संगठनों ने आ चुके हैं, वो शांतिपूर्ण समझौते और संघर्ष विराम कर दिया है और भारत सरकार केंद्र राज्य सरकारों के साथ में शांति समझौता किया है। त्रिपुरा में भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, मणिपुर में भी हुई है, मिजोरम पूरी तरह से उग्रवाद मुक्त हो चुका है, आपका मेघालय पूरी तरह से उग्रवाद मुक्त हो चुका है, अरुणाचल प्रदेश में भी उग्रवाद लगभग समाप्ति की ओर करीब 90% समाप्त हो गया है, कुछ थाना क्षेत्रों में बचे हैं, नागालैंड में भी NSCN IM के साथ में संघर्ष विराम है, खापलांग के साथ में भी बातचीत चल रही है, हाँ उसके साथ में भी है, लेकिन थोड़ा अभी मामला गतिरोध की स्थिति बनी हुई मणिपुर को लेकर, मणिपुर में भी कुछ संगठन है जो इस तरह की समस्या है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर होगी। इसमें अंतिम बात है कि यदि म्यांमार के साथ यदि भारत की सीमा को सील कर दिया जाए तो निश्चित ही सीमा आपसी सीमाओं के मुद्दों पर भी कुछ न कुछ असर जरूर होगा, निश्चित होगा। इसीलिए मुख्यमंत्री गृहमंत्री ने कल बड़े साफ तौर पर कह दिया है कि हम 1600 कुछ किलोमीटर म्यांमार से लगने वाली जो सीमा है इसको हम सील करेंगे, जिसमें से 10 किलोमीटर की सीमा ऑलरेडी बॉर्डर रोड मणिपुर में, हाँ वहाँ पर उन्होंने सील कर दिया है, वो उसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया था। तो कल साफ तौर पे केंद्रीय गृह मंत्री ने कह दिया कि हम म्यांमार के साथ में सीमा को सील करेंगे, सर्वेक्षण का काम हाँ तो सील करेंगे, तो उन्होंने कल कह दिया है। तो मुझे लगता है इसका भी असर राज्य की सीमाओं को लेकर के समाधान के मामले में मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है, इसी के साथ अरविंद जी आज हम अपने दर्शकों के साथ विदा लेते हैं और आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। नमस्कार।